कहीं मौत का पहाड़ तो कहीं मानसून की मार लगातार जारी है। आधे हिंदुस्तान में सैलाब का बेहिसाब तांडव भी जारी है। इस वक्त देश के दो स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र में आसमानी आफत का संकट सबसे ज्यादा है। मुंबई के भाईंदर में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया है, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की खबर है। तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दो झीलों का पानी ओवरफ्लो होने से कई गांव डूब चुके हैं। वसई विरार इलाके में झमाझम बारिश के चलते निचले इलाके डूब गए हैं। और गुजरात में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां जामनगर, गिर, सोमनाथ और जूनागढ़ में सैलाब से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार मुसीबत की मार झेल रहे गुजरात और महाराष्ट्र में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम को उतारा गया है। गुजरात के राजकोट, जूनागढ़, सूरत और गिर सोमनाथ में सबसे विकट हालात हैं। ठाणे और पालघर में भारी बारिश के चलते 250 से अधिक फैमिली को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है और स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है। देखिए, गुजरात के जामनगर की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पानी का सैलाब, पानी की मुसीबत किस कदर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। यहां बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बह रहा है, जिसकी चपेट में आने से ट्रक तिनके की तरह बह गया। तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी के उफान से पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि एक ट्रक इस सैलाब के आगे अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया और तिनके की तरह बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि कोई इंसान जिंदगी अगर यहाँ से गुजरेगी तो उसके सामने किस तरीके की मुसीबत आ सकती है, उसकी जिंदगी पर कैसे ये सैलाब ब्रेक लगा सकता है। जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जाए, लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, ये कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन प्रकृति की मार ऐसी है कि लोग अब बेहाल हो चुके हैं। आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। तबाही सैलाब की है, लोग परेशान हैं। ये लहरें बता रही हैं, ये तेज रफ्तार बता रही है सैलाब की, कि किस कदर मुश्किलों में इजाफा हो चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जो नदियां हैं वो उफान पर आ चुकी हैं। पानी निचले इलाकों में भर चुका है, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। अब एक तस्वीर आप देखिए जामनगर की ही, जहां सैलाब के बीचों बीच एक मंदिर आपको घिरा हुआ नजर आ रहा होगा। इस मंदिर के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो। सड़क यहां पर कभी होगी भी, फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। ना सिर्फ पानी भरा हुआ है बल्कि पानी की लहरें बता रही हैं कि रफ्तार बहुत तेज है, सैलाब बहुत तेज है। मंदिर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही नजर आ रहा होगा। यानी गुजरात में फिलहाल आसमानी आफत ने लोगों को परेशान करके रख दिया है, पानी के सैलाब ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।